नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एनटीपीसी 2019 की रिवीजन सीरीज में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक संस्कृति से संबंधित आज का हमारा पार्ट वन है, और रिवीजन सीरीज का जिसमें हम बात कर रहे हैं टॉप एमसीक्यूज की, वो हमारा आज पार्ट थ्री है। इसके पहले हमने हड़प्पा सभ्यता को डिटेल में पढ़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उन सबको रिवीजन सीरीज के पार्ट वन और पार्ट टू में कंप्लीट कराया गया है। अगर आपने मिस किया तो जरूर देख ले, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल वहां पर उपलब्ध कराए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, वैदिक सभ्यता पार्ट वन। सबसे पहला हमारा सवाल है, ऋग वैदिक संस्कृति का मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ऑप्शन है आपके, ऋग वैदिक संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद उत्तर वैदिक संस्कृति लागू हुई। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, उत्तर वैदिक संस्कृति का मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, अभी हमने कंफर्म किया ऋग्वैदिक संस्कृति जो थी वो क्या थी, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और इसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृति का मान्यता प्राप्त काल रहा है। तो ये जो काल है कैसे डिवाइड करते हैं, ये आप यहाँ पर देखेंगे। पार्ट वन में उत्तर वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से ऋग्वैदिक काल, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है, उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो आर्य है उनको शाब्दिक अर्थ में क्या कहेंगे, क्या समझेंगे? आर्यों का शाब्दिक अर्थ ऑप्शन ए योद्धा, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी विद्वान, या ऑप्शन डी श्रेष्ठ व कुलीन। तो जो आर्य, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला सवाल है, आर्यों के संबंध में गलत कथन को चुनिए। ये जो कथन दिए गए हैं इसमें पहला है इनकी भाषा संस्कृत थी, दूसरा ये घुड़सवारी करते थे, तीसरा ये भारत कई झुंडों में आए, या चौथा ये मुख्यतः नगर निवासी थे। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति से संबंध रखते थे, ये नगर निवासी नहीं थे। बाकी ऊपर की तीनों बातें, इनकी भाषा संस्कृत थी, घुड़सवारी करते थे और भारत कई झुंडों में आए थे, ये तीनों ही बातें सत्य हैं। अगले सवाल पर जाएंगे, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जो वैदिक गणित होती है उसका महत्वपूर्ण अंग बताना है। ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, शुल्ब सूत्र, या अथर्ववेद। तो जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है शुल्ब सूत्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, किस फसल से वैदिक काल के लोग परिचित नहीं थे? कौन सी फसल वो नहीं उगाते थे? ऑप्शन है आपके जौ, गेहूं, चावल, या तंबाकू। तो निम्न में से वैदिक काल के लोग तंबाकू से परिचित नहीं थे, गेहूं, चावल, जौ, इन सबसे ये पूर्णतया परिचित थे, इनका ये उत्पादन करते थे, लेकिन तंबाकू से ये लोग परिचित नहीं थे। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक किस नाम से जाने जाते थे? उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, पहले जो ऋग्वैदिक काल था वहां पर ब्राह्मण विरोधी गतिविधियां नहीं हुई या वेद के विरुद्ध में कोई भी बातें नहीं हुई, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो गतिविधियां हुई जिनके लिए धार्मिक अध्यापक थे वो क्या कहलाते थे? ऑप्शन है यजमान, श्रमण, अथर्वण, या श्रेष्ठीन। तो इसका जो सही आंसर है, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक, उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना मिलती है? वो कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना हमको प्राप्त होती है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद,
अथर्ववेद या सामवेद। तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना हमको सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में लिखे ग्रंथों का सही क्रम बताना है आपको। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, मतलब सबसे पहले क्या लिखे गए, उसके बाद क्या लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया और अंत में क्या लिखा गया, ये आपको क्रमबद्ध तरीके से करना है और बताना है। ऑप्शन है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद। उपनिषद, वेद, ब्राह्मण या आरण्यक, या आरण्यक, वेद, ब्राह्मण और उपनिषद। तो सबसे पहले वेदों की रचना हुई, फिर वेदों के ब्राह्मणों की रचना हुई, फिर आरण्यक की रचना हुई और अंत में उपनिषदों की रचना हुई। तो ये सही क्रम है वैदिक काल में लिखे ग्रंथों का, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला सवाल है, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रणी या वेद त्रयी कहलाते हैं, मतलब जब तीन वेदों को एक साथ संकलित किया जाता है तो वो कौन से तीन वेद हैं जिनके संकलन को हम त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। ऑप्शंस हैं आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऑप्शन बी है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन सी है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों के प्रारंभ के तीनों वेदों का जो संकलन एक साथ किया जाता है इनका संयुक्त रूप त्रयी या वेद त्रयी कहलाता है। अथर्ववेद को आप हटा देंगे यहाँ पर, बाकी जो बचे तीन वेद हैं वो त्रयी या वेद त्रयी कहलाएंगे। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, कट उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ईश उपनिषद या बृहदारक उपनिषद। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जैसे हमने वैदिक सभ्यता की बात की थी तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार। बात आती है आर्यों की तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय आपको बताना है कृषि, पशुपालन, व्यापार या शिक्षा। तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थी। अगला सवाल है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन सा है, भारतीय जो संगीत है उसका आदि ग्रंथ या भारतीय संगीत की उत्पत्ति का जो मूल ग्रंथ कहा जाता है वो कौन सा। ऑप्शन से आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो इसका सही आंसर है सामवेद। अगले सवाल पे जाएंगे, प्रधान विधि निर्माता किसे कहा जाता है, प्रधान विधि निर्माता किसे कहते हैं। ऑप्शन है चाणक्य, मनु, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस। तो प्रधान विधि निर्माता मनु को कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, वह प्रधान ग्रंथ जिसमें कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जिसको कहा जाता है जिसमें कृष्ण भक्ति का व्याख्यान प्राप्त है। ऑप्शन है महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद या रामायण। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था। जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो सबसे मुख्य रूप संपत्ति का क्या था ये बताना है आपको। ऑप्शन है ए गोधन, बी भूमि, सी ए और बी दोनों या डी रुपए। तो इसका जो सही आंसर है संपत्ति का मुख्य रूप वो गोधन था, गाय जो थी वो संपत्ति का मुख्य रूप थी। अगले सवाल पर जाएंगे, ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्र का उल्लेख सबसे पहले मिलता है, प्रथम बार सूत्र का जो उल्लेख है वो किस मंडल में मिलता है। ऑप्शन है आपके सातवें मंडल में, ऑप्शन बी आठवें मंडल में, ऑप्शन सी नवें मंडल में या ऑप्शन डी दसवें मंडल में। तो ये तो जो एक यहाँ से आप चीज़ और क्लियर कर सकते हैं कि सूत्र का प्रथम उपयोग उल्लेख जो मिला वो
ऋग्वेद से मिला, और ऋग्वेद के किस मंडल से मिला, वो है दसवां मंडल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 19। तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 4 वेद 18 पुराण। नेक्स्ट है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना का था। ऑप्शन ए प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति। तो जो वैदिक धर्म था उसका मुख्य लक्षण किसकी उपासना का था, किसकी उपासना मुख्य रूप से करते थे, प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की या त्रिमूर्ति की। तो इसका सही आंसर है प्रकृति की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, प्रकृति की उपासना वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था। अगला सवाल है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पुरंदर शब्द किसके लिए यूज किया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन है अग्नि के लिए, इंद्र के लिए, वरुण के लिए या फिर सोम के लिए। तो जो पुरंदर शब्द है वो इंद्र के लिए उपयोग किया गया है। अगला है अस्तोमा सद्गमय, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद से या ऑप्शन डी अथर्ववेद से। तो अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर आए और कहाँ पर बसे। तो भारत में आकर के सबसे पहले कहाँ बसे यह बताने आपको। ऑप्शन ए पंचाल में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी समाटत में या ऑप्शन डी प्रयाग में। तो आर्य भारत में आकर के सबसे पहले पंजाब में बसे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वेदों को अपौरुष क्यों कहा जाता है। वेदों का जो एक अन्य नाम है अपौरुष इसको क्यों कहते हैं। ऑप्शन क्योंकि वेदों की रचना देवताओं ने की है इस वजह से, या क्योंकि इसको पुरुष पढ़ते हैं इस वजह से, या क्योंकि इसकी रचना ऋषियों ने की है, या ऑप्शन डी क्योंकि इसको स्त्रियां पढ़ती हैं। तो वेदों को अपौरुष कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन। मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन। ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी बद्रायण, ऑप्शन सी बुद्ध या ऑप्शन डी महावीर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बद्रायण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों वैदिक संस्कृति का पार्ट टू आपको कल सेम टाइम पर प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आरआरबी एनटीपीसी 2019 की रिवीजन सीरीज के सारे वीडियो आपको रेगुलर रूप से मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मैं जरूर बताएं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, आपको बेल आइकन प्रेस करना है। आप कमेंट करके मैं जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।